जी क्या कुछ कहना चाहोगे? वेल मैंने एक दो बार पहले भी कहा है कि बहुत ही वार्म कैरेक्टर है. जो भी स्मॉल टाउन से लड़कियाँ आती हैं हमेशा दे कैन रियली रिलेट टू दिस कैरेक्टर एंड दे विल बी एबल टू सी देमसेल्व्स इन दिस कैरेक्टर. सो प्लीज़ वॉच द फिल्म बिकॉज यू आर गोइंग टू रियली कनेक्ट विद इट. योगेश जी बहुत ही थॉटफुल डायरेक्टर हैं. सबसे बड़ी बात तो ये है एंड स्पेशली ही इज़ मेकिंग अ फिल्म ऑन विमेन एंड हाउ दे फील एंड देयर जर्नी. सो ही इज़ वेरी सेंसिटिव इज़ वेल. सो इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी विद हिम एंड आई होप दैट दिस जर्नी कंटिन्यूज थ्रू अदर वर्क. थैंक यू. I think my character, Vaidehi's character, which I heard this narration and I was like, okay, this is what I want to do. Sorry? Because I've done that, I've been there before. So now I want to do something which is really performance oriented and which I really enjoy playing. So I couldn't really hope for a better break than this. Mere liye, I think you were talking about the story of the film. I guess the highlight point would be when Chintan comes back in her life and makes her realize that that what are you doing? You're living a lie. So try to break free, come out of it and live your own life. My ideology when it comes to women is, first of all, I believe in one thing, that live and let live. Man or woman doesn't matter. But I have always been very independent, very strong-headed, and my family has always supported me. So I just hope that whoever wants to do whatever, do that. And I hope that their family also supports them the way mine did. Done? चाहूँगी कि ये फिल्म जो है ये योगेश जी ने बनाई है, योगेश जी ने डायरेक्ट की है. सो सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ कि उन्होंने ये फिल्म बनाई. और इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो एक मैच्योर लव स्टोरी है और शिमला की कहानी है, जो कि मुझे लगता है कि आज के टाइम में जिस तरह की फिल्में आ रही हैं उसमें एक बहुत ही पीसफुल महसूस कराने के लिए ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है. और ऐसी फिल्में जो हैं अभी मुझे लगता है कि अभी कॉमेडी और लव स्टोरीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की जैसी दिमागी हालत है वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है वो हंसेंगे और खुश होंगे तो ठीक हो जाएंगे. सो ऐसी फिल्में बननी चाहिए जिसके अंदर रोमांस हो, कॉमेडी हो, ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में बननी चाहिए. तो इसके अंदर एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जो गौरी प्रधान है और हितेन तेजवानी है, हितेन जी के साथ में मैंने अभी लास्ट एक फिल्म जो है अजय वर्धन उसके अंदर मैंने उनके साथ काम किया था. और सॉरी शतरंज में किया था, एक सॉन्ग किया था मैंने अक्कड़ बक्कड़. और उसके बाद में ये जो फिल्म है इसमें गौरी प्रधान जो सीरियल में काम करती थी पहले, मैं उनका सीरियल देखती थी और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. तो मुझे आज उन्हें देखने का मौका मिला, उन्हें मिलने का मौका मिला. आई एम सो हैप्पी और मैं आई विश कि उनकी फिल्म सुपर हिट हो और वो तरक्की करते रहें. I'm just here to promote Gauri Pradhan's movie and best of wishes, best of luck everyone. Thank you. Yeah, I'm very happy. It's a dream fulfillment for me. Excitement level is normal because at my age I can't get excited about things, but I'm deeply satisfied, very happy that this day has come. A lot of people in my team, my actors, they have all worked very hard
and I'm sure it's a day of celebration for them. Yes. You see, I wanted to bring out the concept of what we call as classic love. Classic love is an idea very different from what and how we look about love now in the present generation. Classic love has elements of separation, elements of sacrifice, elements of... The basic idea is that प्यार हुआ तो मतलब मैं आपको सब समर्पित है, आपसे कुछ हासिल नहीं करना है. देर आर नो क्लेम्स इन लव. देर इज ओनली अ डिजायर टू गिव द बेस्ट टू द अदर पर्सन सो दैट अदर पर्सन कैन फ्लरिश एंड एंजॉय एंड बी हैप्पी. इट्स नॉट व्हाट यू वांट फ्रॉम द पर्सन, व्हाट यू वांट टू गिव टू द पर्सन. तो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लव इन द मॉडर्न टाइम्स इज गेटिंग लॉस्ट. तो उस तरह का एक संदर्भ बनाने की कोशिश करिए. It has come out beautifully. The story is shortly we're going to watch it. I don't want to when you want to do something then you have to put your best. And for best is your time, your money, your wealth. मुझे एक काम करना था और पूरी लगन से किया. बहुत लोगों ने मेरा साथ भी दिया इसमें. And it's been a project of passion and nothing else. तो हमने जितनी भी पूरी टीम थी सबने आगे बढ़ के बहुत क्रिएटिवली काम किया. और उसका रीज़न ये भी था कि मैं एज अ डेप्यूटेंट डायरेक्टर आई वॉज नॉट सो हैंड्स ऑन. आई लेट ऑल पीपल all the technical as well as the actors complete freedom to explore their art, and what comes out is very magical. I'm sure you will, after you have seen it, you will agree with me that it's very different story than, or a different type of movie. It's more of a counter trend. Madhyam madhyam chalne wali film hai lekin kahani phir bhi bahut engrossing hai. Ek second bhi aapka dimag कहानी से पलट नहीं सकता. बट एक सहज पिक्चर है. इसमें कोई बहुत ज़्यादा आई मीन आर टुडे जनरेशन फिल्म आर फुल ऑफ थ्रिल एक्साइटमेंट. सो दिस इज नॉट हाई ऑक्टेन ड्रामा, दिस इज वेरी सटल ड्रामा. थैंक यू. नाउ दैट वी हैव डन अ जॉब, it's for the people to acknowledge it, and I'm sure it will give happiness to each one who watches this movie. It's a movie full of very soft and sweet feelings. Thank you so much, everybody. God bless. She's always been, right from the beginning, if you see what projects she's done, she's always been very choosy. And because, kya hai ke, usko easy hai, matlab in the sense, not in a bad way, but because I am doing multiple subjects and everything, she has that thing to choose. And she chooses what she likes. This, ye script aayi, Yogesh ji ki, usse pasand aayi, usse mere saath discuss kiya, bola dekho ye mujhe acha laga. Bola acha laga to do baar sochna mat, don't think about it twice also, go for it. No, इस फिल्म की जर्नी पूरी मुझे पता है, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो एवरी डे व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट हाउ दे वर शूटिंग एंड क्या क्या हो रहा था वो सब पता है. ऑल इन ऑल गुड पार्ट इज दैट शी वाज टेकन केयर ऑफ एंड शी हैड अ ब्लास्ट, शी इंजॉयड व्हाइल शूटिंग. सो दैट इज ऑल व्हाट इट मैटर्स. यू नो यू हैव टू वर्क ऑल्सो एंड देन यू हैव टू इंजॉय. इट वॉज लाइक अ फैमिली ओवर देयर. शी सेड बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, शूटिंग इज ऑन टाइम, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन टाइम, एंड वी विल रैप अप ऑल्सो ऑन टाइम. सो it is perfect, everything is scheduled, everything is planned, so Yogi ji took care of her. Thank you sir. Thank you.
I have seen in bits and pieces, I will not lie to you, but now I was saving it for the last. इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि आज सबके साथ देखूंगा, बिकॉज अगर मैंने पहले देख ली होती तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा तो कम होता, बिकॉज इट इज नेचुरल, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, कि आप जितनी बार देखते हो आपका इंटरेस्ट, तो आज मुझे पूरे इंटरेस्ट के साथ और पूरे सब लोग के साथ एंजॉय करनी है. दैट्स व्हाई आई सेड कि चलो आज तो देखेंगे. वंडरफुल, दैट्स व्हाट मैंने इनको भी बोला, बहुत अच्छी चीज़ बनाई है. म्यूजिक लॉन्च पे बहुत कुछ देखा, उसके अलावा घर में बहुत कुछ इन्होंने दिखाया हमें, सब कुछ फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम, इट इज़ माइंड ब्लोइंग, इट इज़ डिफरेंट. ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, बट व्हेन एवरीबॉडी विल वॉच इट दे विल कम टू नो व्हाई इज इट कॉल्ड डिफरेंट. यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए गौरी की फिल्म ज़रूर देखिए. शी हैज यू नो शी इज़ डूइंग दिस फिल्म, डेब्यू है एक तरह से, तो शी इज़ डन इट. एंड देखिए गौरी के लिए हमने अपनी फिल्म पोस्टपोन की है, तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा आप. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. बट योगेश जी इज़ मेड द फिल्म, इन्होंने बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है, बिकॉज इसमें रियलिटी बहुत है. एंड इट्स एक्चुअली अ लव स्टोरी, चिंतन और वैदेही की प्रेम कथा है, और उसमें मैं शामिल हूँ क्योंकि मैं किरदार निभा रहा हूँ जो कि नवीन शेरगिल है, जो कि चिंतन का बहुत ही अजीज़, बहुत ही सगा मित्र है, और वो भी उसकी तरह काफ़ी एजुकेटेड है, लर्नड है, और शिमला इज़ हिज प्लेस. सो मेरी वजह से ये फिल्म जो है शिमला में शूट हुई है, मतलब हाँ नवीन की वजह से. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एक ऑनेस्टी वाली फ्रेंडशिप होती है और एक डिसऑनेस्टी वाली होती है, दैट्स व्हाट आई बिलीव. एंड हमारी इंडस्ट्री में जो सेकंड कैटेगरी वाली फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा है. इस फिल्म में चिंतन और नवीन के बीच में बहुत ही रियल फ्रेंडशिप है, अग्री ना, दे आर वेरी रियल विद ईच अदर, तो कुछ ज़्यादा बनावटी बातें नहीं होती, और उसी में मज़ा है जो मैंने इन्जॉय किया. एंड ऑफकोर्स इज डायरेक्शन एंड वर्किंग विद इंद्रनील एंड गौरी वॉज वेरी नाइस. चैलेंजिंग इन व्हाट सेंस? ओके, या वेल आई फाइंड एवरी रोल आई डू चैलेंजिंग, एंड लकली गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी एंड हैज गिवन मी वेरियस रोल्स टू डू, फर्स्ट इन थिएटर, देन इन टेलीविजन, एंड देन सिंस आई लेफ्ट टेलीविजन इन फिल्म्स एंड वेब स्टोरीज एंड ऑल, सो एवरी रोल इज चैलेंजिंग. आई फील दैट द बेस्ट बेनिफिट ऑफ एन एक्टर, एक एक्टर की सबसे फ़ायदेमंद खूबी ये है कि वो हर एक रोल को एक चैलेंज समझे, लेकिन एक ऐसा चैलेंज जो कि आपको पता नहीं कि फिनिशिंग लाइन कहाँ है, लेकिन आपको पता है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, फिर आप चल क्यों रहे हो, भागो भागो, वो फिनिश लाइन आपको दिख जाएगी. तो यही मेरी वे ऑफ थिंकिंग है, मेरी सोच है, एंड आई हैव ट्राइड टू डू द सेम थिंग टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी विद नवीन शेरगिल. ओह, ही इज़ अमेजिंग. Very shortly we're going to watch him. I had for years his image picture in my mind, and he was, I didn't have to go to anybody else, already I had set up my mind that he will do this role, because he is a theater guy originally. And I'm a theater guy, so connection. Your message ji, ऑडियंस के लिए मेरी वही मैसेज है जो इतने सालों से मैं दोहरा रहा हूँ, बहुत बहुत प्यार आप सबका मिलता रहता हमें, और उसी के मुताबिक हम जी रहे हैं, उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं, और आपको बेहद प्यार करते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें और अप्रिशिएट करें कि हमारे यहाँ बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में ऐसी बनती हैं जो लव स्टोरीज़ हैं, और ये जो फिल्म है शायद ही कोई ऐसी फिल्म पहले बनी हो जिसमें फैनफेयर और यू नो धमाकेबाजी बहुत बिल्कुल भी नहीं है, एकदम रियल है. और आई थिंक सरल जिंदगी, सरल बात तो यह है ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, इफ़ यू लव समवन यू लव समवन. सो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस मेंबर्स लव समवन और आर लव्ड बाय समवन, एंड आई होप यू फाइंड योरसेल्फ इन द स्टोरी समवेयर.
वेरी वेल थैंक यू ओके सी यू ऑल। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैंने काम तो बहुत फिल्मों में किया है लेकिन ये एक विंटर टेल एट शिमला हमारे योगेश सर ने जो फिल्म बनाई है इतने अपने पूरे जीवन में जितना इन्होंने काम किया जो पैसा इन्होंने कमाया वो सारा इस मूवी प्रोजेक्ट में लगा दिया। योगेश जी की हिम्मत है कि जॉब पूरा करने के बाद ये फिल्म का सोचा बनाई रिलीज किया और आज पीवीआर हम सब लोग इकट्ठे हैं। मुझे वो दिन याद है जब हम शिमला में शूटिंग कर रहे थे तो सर ने ऐसा कोई भी नहीं था क्यू या एक्टर जिनको किसी भी तरह की कोई शिकायत हुई थी। बहुत ही भले इंसान और बहुत ही तबीयत से इन्होंने मन से काम किया प्रोजेक्ट पे और मुझे इस बात की उम्मीद है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना है, ऑडियंस इसको पसंद करेगी और लोग आएंगे देखने के लिए। अब आप लोगों का सहयोग चाहिए और ऑडियंस से दुआ करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आए हमारी ये फिल्म को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। समर में विंटर टेल तो इसलिए ठंडक ठंडक है हम लेने के लिए एंड वी वेल ऑल द बेस्ट टू गौरी जितेन एंड ऑल द कास्ट एंड क्रू दीपराज एंड ऑल द कास्ट एंड क्रू। आई एम श्योर इट्स बी गुड मूवी टू वॉच, विल बी लाइक विल ग्लू टू द सीट एंड ऑल द बेस्ट, नो सक्सेस टू देम। वेल मैंने अभी हाल में योगेश जी से मिली, ही लुक्स अ वेरी सॉर्टेड पर्सन एंड आई थिंक इज अ गुड डायरेक्शन दैट ही हैज डन एंड आई एम स्टिल हैव टू वॉच द फिल्म, सो लेट मी वॉच द फिल्म टू से एनीथिंग मोर अबाउट इट। बट इन दिस समर आई नीड दिस विंटर एंड दैट्स इन शिमला, दैट्स व्हाट लुकिंग फॉर एंड आई थिंक इट्स अ थ्रिलर सो आई हैव ऑलरेडी गूज बम्प्स, सो लेट्स सी हाउ दैट। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबॉडी इन द वॉच द थ्रिलर मूवी इन समर्स एंड द विंटर टेल्स आई विल फैन आल्सो। All the very best to everybody. Thank you. एक्ट्रेस के त्यागी एक विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, दुनिया में अपना नाम रखते हैं एज अ हेपेटोलॉजिस्ट, ठीक बोलो ना हेपेटोलॉजी। तो जिंदगी में पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे कहीं मिले तो एक कैरेक्टर जैसे मुझे लगे, मैं इनसे पर्सनली इनको जानता था तो मैंने अनुरोध किया, मैंने कहा एक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का रोल करना है। तो इनके फैमिली ये पुलिस फैमिली से हैं, ऑल द डॉक्टर हैं लेकिन सारी जिंदगी पुलिस फैमिली पुलिस बिहेवियर देखा है, तो डॉक्टर साहब मान गए। तो इस वजह से हिंदुस्तान में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन खूब इस फिल्म को आगे बढ़ा रही है वो एडवांटेज मुझे उस समय पता नहीं लगा था कि डॉक्टर साहब को लेने का ये एडवांटेज होगा कि हिंदुस्तान का हर डॉक्टर तो पिक्चर देखेगा देखेगा। तो डॉक्टर साहब कुछ बोलिए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मैं क्या बताऊं, मैंने जब यस बोली थी तो सिर्फ इसलिए यस बोली कि मैं देखना चाहता था फिल्में बनती कैसे हैं, मैं एक्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये तो योगेश जी बताएंगे और जो आप देखेंगे आप लोग तो बताएंगे कि जो भी छोटा सा रोल मेरा है वो मैंने सही निभाया है या नहीं। लेकिन इनके साथ रह के पूरी फिल्मिंग देख के ये पता चला कि जो हम पर्दे पर देखते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, वो वाकई में बड़ी आसानी से हम लोग किसी भी पिक्चर को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं बिना ये जान के कि उसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी लोगों की मेहनत लगी हुई है। ये मुझे तो बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे कि आप किसी का, आप अब कोरोना काल में आपने किसी का, हम लोग डॉक्टर्स ने किसी को ठीक कर दिया तो लगता है चार गोलियाँ दी और वो ठीक हो गए, ये नहीं पता चलता कि कितनी रातें हमने उस मरीज़ के बारे में सोच के काटी हैं और कितनी मेहनत करी और कैसे करी। बट इट वॉज फन, इट वॉज प्लेजर इन सब एक्ट्रेसेस और एक्टर्स से मिलके मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं कभी इस माहौल में रहा नहीं, कभी मैंने किया नहीं, लेकिन हाँ सीखा बहुत। और योगेश जी जैसे अगर साथी हों तो क्यों नहीं कोई इंसान सीखेगा। थैंक यू सो मच। बहुत ही एक्साइटेड है बिकॉज ये मूवी को शूट करने में भी हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया था एंड इट वॉज अ फोर फन जर्नी ऑल टुगेदर, सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड फॉर द फिल्म। इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस, आई हैव नोन मिस्टर वर्मा फॉर 5 years, फर्स्ट एज अ थिएटर एक्टर
and to work with him and to see what he's created and to have the privilege of working with him as a director will be an experience I will always remember, and it was an honor to be working on this film. I'll start. Yogesh sir was like fantastic director, very smooth sail, like aisa nahi ki no ekdam pressure hai, the story, the way he was explaining things was very fantastic. Oh no, the writing, the script writing was spectacular. The characters all had their unique way of guiding the story. So it was more of a story, it's a journey for all of us. And again, honored to be part of this. Thank you so much. This, Gauri is a part of this. Gauri is a close friend, and we've come to support Gauri and obviously Parul. So it makes it even more special. Anji? जी योगेश जी से मैं मिला नहीं हूँ अभी तक, लेकिन जितना भी मैंने ट्रेलर देखा है तो मुझे लग रहा है कि बहुत सेंसिटिव और इमोशनल आदमी है, एंड ही इज़ गिवन इट हिज बेस्ट. सो नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म सो दैट मुझे पता चले कि असली में वो कैसे हैं, एंड देन उनसे मिलना होगा. जी हाँ, मेरी अभी इंस्पेक्टर अविनाश आ रही है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, वेटिंग फॉर दैट. नीरज पाठक सर की है, रणदीप है, मैं हूँ, अभिमन्यु सिंह है, अमित सियाल है, उर्वशी रावटेला है. सो एक वो है, एक मंडली है, एक बगावत है, तो तीन चार प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं. आई एम वेटिंग फॉर दैट. थैंक यू. थैंक्स. थोड़ा जोर से बोलिए. हाय, मेरा नाम राम अवाना है और मैंने काफ़ी फिल्में और काफ़ी सीरियल्स में काम किया है, आप लोगों ने देखे होंगे. ये फिल्म शिमला बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और इसकी हम लोगों ने शूटिंग भी शिमला में ही की थी और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था. मेरा इसमें जो कैरेक्टर है वो हवलदार सुरेंद्र का है जो दीपराज राणा जी के साथ में है. सुरेंद्र जो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने मालिक के लिए तो बहुत वफादार है, लेकिन बाकी लोग उसके घर में जो लोग हैं वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते ज़्यादा. तो जो गौरी प्रधान और उनकी बेटी वो कुछ बात करते हैं तो रुक जाते हैं, किसी सामने बात मत करो, ये सर को बता देंगे. तो ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है काफ़ी, तो होप आप इन्जॉय करेंगे ये. मेरा नाम मनु मलिक है, मैंने बहुत सीरियल्स किए हैं, फिल्म्स भी की हैं, कुछ वेब सीरीज़ की हैं. मेरा इसमें रोल है एसएसपी धालीवाल का. तो धालीवाल जो क्या है वो बहुत एक जुगाड़ू आदमी है, तो ये पॉलिटिशियंस और अपने पुलिस वालों के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है. तो वही सब किस तरह से उनको मिलता है और कैसे चीज़ें काम करवाता है अपने, वो सब. आई होप यू इन्जॉय. प्लीज़ देखिए और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे, ट्रस्ट मी. बहुत प्यार से बनाई है सर ने, बहुत हमारे योगेश जी, हमारे ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत. थैंक यू. पर्सनली आई कैन से कि जो शिमला की ब्यूटी है, आई केम टू नो कि वो सब दिखाई गई है और एब्सोल्युटली बहुत फेबुलस फिल्म बनी है. तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और जैसे कि कहते हैं इसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो 65 ईयर ऑफ एज के बाद उन्होंने डेब्यू किया है. सो येस ऑफकोर्स वेरी गियर्ड अप टू सी द मूवी. कहते हैं कि जब पैशन होता है ना किसी भी काम को आप करते हैं और पैशन से करते हैं तो वो बहुत अच्छा ही होता है. तो ये राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, आई थिंक प्रोड्यूसर भी हैं. तो फिल्म तो बहुत अच्छी है ही है, और एक बार देखते हैं तो फिर रिव्यू करेंगे कैसी है फिल्म. You know, he's had a phenomenal journey from a technocrat, bitch pilani, pass out, I think, if I'm not sure. He's someone who's built a real estate empire on his own, and then suddenly moved into motion pictures because he had a passion for it. So it takes a lot of effort, lot of courage, lot of commitment, lot of passion to create what he has created. Winter Tales in Shimla is something which is as exciting as Yogesh ji's journey. So I'm looking forward. I'm sure whatever he would have created must have been a masterpiece.